देखो, एक होता बड़भागी, एक होता अति बड़भागी, एक होता अतिशय बड़भागी, एक होता परम बड़भागी। चार प्रकार के बड़भागी होते हैं, बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी, परम बड़भागी। और हनुमान जी क्या है? हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। समान कोई दूसरा बड़भागी, लेकिन केवल हनुमान जी पर बड़भागी नहीं है, एक और है। जामवंत जी ने कहा, बड़भागी अंगद हनुमान, बड़भागी अंगद हनुमान। बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी। अच्छा, बड़भागी कौन है? बड़भागी हनुमान जी है, बड़भागी अंगद जी है, लेकिन और कोई बड़भागी है? हाँ, जटायु जी। जटायु जी बड़भागी क्यों है? जटायु जी इसलिए बड़भागी कि उन्हें भगवान की गोद मिली। अच्छा, जटायु जी को गोद मिली तो वो बड़भागी हो गए, अति बड़भागी हो गए। लेकिन हनुमान जी अति बड़भागी नहीं है, केवल बड़भागी। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हनुमान सम नहीं बड़भागी। पर दो क्रम, तीसरा क्रम अब आया नाम अहिल्या का। अहिल्या को क्या लिखा? अतिशय बड़ भागी चरण लागी, गए बड़ भागी चरण लागी। भोलेनाथ, भोलेनाथ। हनुमाना, हनुमान सम नहीं बड़भागी, परम बड़भागी, और जटायु जी बड़भागी, लेकिन अहिल्या जी कौन है? अतिशय बड़भागी। अच्छा, इनके लिए इतनी पदवी क्यों लिखी? अतिशय क्यों लिखा? सुनो, हनुमान जी तो साथ में है, जटायु जी को गोद मिली, लेकिन अहिल्या को क्या मिला? अहिल्या को मिली चरण रज। क्या मिली? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, चरण रज, इसका महत्व तो क्या है? हमने कल आपको संकेत में बताया था, आज थोड़ा खुलकर बता देते हैं। भगवान के चरण ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। भगवान के चरण ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे भारत के लोगों, कान खोलकर सुन लो, गुरु के पकड़ने चाहिए आचरण, भगवान के पकड़ने चाहिए चरण। है? जो गुरुदेव के आचरण पकड़ता है, भगवान के चरण पकड़ता है, उसी का उद्धार होता। लेकिन हम लोग बड़े उल्टे हैं, गुरु जी के पकड़ते हैं चरण, भगवान के नहीं पकड़ते आचरण, पड़ोसी के पकड़ते। बोलो सीताराम। फिर कहते गुरु जी कल्याण नहीं हो रहा, ठटरी के बरे।